अब चलिए आइए जानते हैं कि यूपी में ब्राह्मण वोटरों की ताकत क्या है जो सभी दलों को अपनी ओर खींचते हैं। अब देखिए विस्तार से आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 10% ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों को ओपिनियन मेकर कहा जाता है। जी हाँ, और ब्राह्मण वोटर 100 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। 1993 से 2002 के 3 चुनाव अगर आप देखते हैं उठा करके, तो औसतन 25 ब्राह्मण विधायक बने, और 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के बाद आंकड़ा बदल गया। 2007 से 2017 तक हुए 3 चुनावों में औसतन 52 ब्राह्मण विधायक बने हैं। तो बहुत बड़ा कद रखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण, और इसीलिए हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ब्राह्मणों को अपने साथ लिया जाए। अलग अलग दलों की तरफ से आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन भी किए जा रहे हैं, और आज इसी मसले पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी की बैठक भी होनी है। अब उससे क्या निकल करके आएगा उस पर भी लगातार नजर होगी। अब देखिए ये भी जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव और उसके बाद बीजेपी की सरकार में ब्राह्मण को क्या स्थान अभी तक मिला है, ये भी आपको बताते हैं। बीजेपी में ब्राह्मण विधायक और मंत्री कितने, देखिए 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक चुनकर के आए थे, और 56 मंत्रियों में 9 ब्राह्मण मंत्री बनाए गए थे, और यूपी में 2 डेप्यूटी सीएम में 1 दिनेश शर्मा ब्राह्मण है। अन्य मंत्रियों का भी पोर्टफोलियो दमदार है। इनमें जितिन प्रसाद का नाम सबसे आगे रहता है, श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक को भी अहम जिम्मेदारी वहां पर दी गई है। तो लगातार ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश हर चुनाव में होती आ रही है, और 2022 का इलेक्शन जो है वो भी ब्राह्मणों के सहारे ही जीतने की कोशिश पार्टियां कर रही हैं। उसमें सबसे आगे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है। अब जया के पास आपको ले चलते हैं, ओवर टू यू जया। बिल्कुल दीपा, तो आपने विस्तार से जानकारी दी कि ब्राह्मण क्या कद रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी में किन्हें मंत्री बनाया गया, किन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जो ब्राह्मण चेहरे रहे हैं। लेकिन प्लान क्या है पूरा और कितनी कामयाबी इससे मिलेगी, ये बताने के लिए शैलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, लगातार हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों को साधने के लिए तमाम अलग अलग पार्टियां अलग अलग कार्यक्रम चला रही है, लेकिन भाजपा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्राह्मणों को लुभाने का प्लान फिर से एक बार तैयार किया गया है। समिति लोगों तक पहुंचेगी, उपलब्धियां बताएंगी, किस तरीके का कार्यक्रम और ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी 2022 के लिए। बिल्कुल, देखिए इससे जुड़े आंकड़े जो है वो आपने दर्शकों के सामने रख दिए हैं, और अगर हम बात करते हैं 2007 के चुनाव, 2012 के चुनाव और 2017 के चुनाव, तीनों चुनाव में एक चीज देखिए आप कि जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा ब्राह्मण विधायक रहे वो बहुमत में आई है, तो ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी है। दूसरी चीज़, वोट शेयर के बाद अगर हम बात करते हैं ब्राह्मणों को लेकर, भाजपा की अगर आप बात करिए, बसपा की बात करिए, बसपा ने जब अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की थी तो पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश शर्मे से खुद ब्राह्मण हैं, उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत की, लेकिन बाद में उसका नाम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर दिया गया था। इसी तरह से समाजवादी पार्टी की बात कीजिए तो भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाते हैं, और वो भी मकसद जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक को साधना। तो सभी जो दल हैं उनकी नज़र ब्राह्मण वोटर्स पर है, क्योंकि एक बड़ा चंक नहीं है बल्कि ये तय भी करता है चुनाव में। तो ऐसे में भाजपा जो है वो पूरी तरह से, क्योंकि बाकी दल जो हैं वो भाजपा को ब्राह्मण विरोधी साबित करने में लगे हुए हैं, इसको लेकर तमाम जो मामले हैं, चाहे खुशी दुबे का मामला हो, कोई दल खुशी दुबे के मामले को उठा लेता है, कोई दल जो कई हत्याएं हुई हैं, चाहे विवेक तिवारी हत्याकांड हो या दूसरे, उनको उठा लेता है और भाजपा पर निशाना साधता है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो माना जाता है उन दलों की तरफ से कि ब्राह्मणों में नाराजगी है भाजपा को लेकर, तो भाजपा उन तक जा रही है, और उसके लिए जो स्ट्रैटेजी पूरी है, अगर आप देखें जो भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ब्राह्मण है। इसके अलावा मंत्रियों का आंकड़ा आपने दे दिया, केंद्र के स्तर पर आप देख ले तमाम मंत्रियों के आंकड़े आपको मिल जाएंगे। तो अब भाजपा की जो स्ट्रैटेजी है, जो मंथन है, वो यही कि किस तरह से ब्राह्मणों के बीच जाना है। उनको ये बताना है कि भाजपा जो है वो किस तरह से ब्राह्मणों को साथ लेकर चलती है, किस तरह से ब्राह्मणों के लिए काम करती है, ब्राह्मणों को पार्टी में कितनी तरजीह दी जाती है, और ये बताना कि जितनी तरजीह भाजपा में दी जाती है उतनी किसी दल में नहीं दी जाती। भाजपा लगातार ये कहती रहती है कि वो ब्राह्मणों की हितैषी वाली पार्टी है, बाकी जो पार्टियां हैं वो ब्राह्मण विरोधी सोच रखती हैं, ये बार बार बताने की होड़ दिखाई दे रही है। पार्टियों में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। शैलेश, आप रहिए हमारे साथ।